मानी जाती है। जब कोई आदमी गुंडे मवालियों से परेशान होता है तो पुलिस से मदद मांगता है और पुलिस उसकी मदद भी करती है, लेकिन पुलिस को ही धमकियां मिलने लगे तो क्या कहेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, जहां पुलिस अपने ही अधिकारी को मिली धमकी के बाद मामले की जांच कर रही है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की पुलिस अपने एक अधिकारी को फोन पर मिली धमकी के मामले की जांच कर रही है। दरअसल आजाद चौक सीएसपी नसर सिद्दीकी को फोन पर गोली मारने की धमकी दी गई। जिस व्यक्ति ने फोन पर सीएसपी को धमकी दी उसका नाम उमेश मिश्रा बताया जा रहा है और वो अपने को उत्तर प्रदेश का रहने वाला बता रहा है। 26 नवंबर को शाम 5:30 बजे सीएसपी नसर सिद्दीकी के पास एक कॉल आया, जिस पर उन्होंने फोन करने की वजह पूछी तो आरोपी ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया और उसने सीएसपी को गोली मारने की धमकी दी। एक अननोन नंबर से धमकी मिली है, उन्होंने गोली मरवा देने की धमकी दिया है, जिसकी रिपोर्ट मैंने वहाँ कोतवाली थाने में किया है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसको ट्रेस आउट करके गिरफ्तार करने किया जाएगा। तद उपरांत से खुलासा होगा कि नंबर कैसे मिला था और क्यों क्यों इस तरीके की बात किया है। सीएसपी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 507 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जिस नंबर से धमकी दी गई है वो प्रारंभिक जांच में उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। मामला एक पुलिस अधिकारी को गोली मारने की धमकी देने का है, इसलिए पुलिस पूरी गंभीरता से मामले की जांच में जुटी है। उसने बोला था कि कौन बोल रहे हो, नाम वगैरह मैंने बताया था, उसके बाद से अभद्रता पूर्वक बातचीत किया था तो उसको मैंने मना किया था, फिर उसके बाद से ये धमकी और गाली गलौज की बातें उसने किया था, जिस पर से मैंने अपराध दर्ज कराया है और बहुत जल्द हम उसको ट्रेस आउट कर लेंगे, फिर उसका खुलासा हो पाएगा कि क्यों कैसे क्या। नंबर प्रथम उसमें देखने पर मोबाइल पर ही देखा था मैंने, तो उत्तर प्रदेश ईस्ट का नंबर दिखाया है उसने और हमारे साइबर वगैरह पत्र लिखे हैं, आ जाएगी जानकारी फिर बता सकते। डीएसपी को गोली मारने की धमकी देने वाले ने कोई शरारत की है या उसके नशे में कोई हरकत हो गई है या फिर उसने संजीदा होकर ये किया है, इसका खुलासा तो बाद में होगा, लेकिन फिलहाल इस हरकत से पुलिस महकमे में सनसनी मच गई है। हवालात के लिए रायपुर से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। हवालात में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे जुर्म की दुनिया की कुछ और नई दास्तानों के साथ। तब तक के लिए आप रहें सतर्क और सावधान।